हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पहले किसी भी स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो है टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो आज मैं उसी टेस्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें भारी संख्या में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिपरेशन तब तक अधूरी है जब तक आप इसका मॉक टेस्ट में अपना स्टेटस एक बार खुद से पता ना कर ले। तो इन सब के लिए काफ़ी सारे मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है अभी भी अवेलेबल है, लेकिन गेट एकेडमी का मॉक टेस्ट एक डिफरेंट मॉक टेस्ट है जिसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लेवल के साथ हमारा मॉक टेस्ट जो है वो आज की डेट में लॉन्च हो रहा है। तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि मॉक टेस्ट में होने वाले हैं उसके बारे में पूरी इस वीडियो में बताता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और एंड में डिसीजन लीजिएगा कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया या फिर नहीं आया। जो भी आपका डिसीजन होगा उसको इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा, वहाँ पे आपके आपसे जो भी क्वेरीज इस वीडियो को देखने के बाद बन रही होगी वो क्वेरीज भी आप पूछ के इस मॉक टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के लिए कंप्लीट डिटेल्स के साथ आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारा भी कोर्स अवेलेबल है और हमने भी प्रिपरेशन करवाया है, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एकेडमी के विमान बैच के साथ। उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें से कोई विद्यार्थी अभी इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पहले। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, ये पैटर्न फिर से मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि आपको इस पैटर्न से आइडिया लगेगा कि हमारा मॉक टेस्ट इसी पैटर्न पे बेस्ड है, जिसमें आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के जो क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम यहाँ पे लिखा हुआ है, हूबहू उसी मार्किंग स्कीम पे आपको क्वेश्चन के पैटर्न हमारे मॉक टेस्ट के टेस्ट पोर्टल में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में आपके पास इंग्लिश के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपका पार्ट ए है वो 60 मार्क्स का होगा और 60 मार्क्स को आपको 60 मिनट्स में ख़त्म करना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे जाते हैं जो कि 11th 12th का पार्ट है, उसमें आपके 60 मार्क्स होंगे और उसको भी आपको 60 मिनट्स में एंड करना है। तो टोटल आपके पास 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस आपको करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सो सेम इसी तरीके का पैटर्न जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC जो आपको एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न पर हमारा ये मॉक टेस्ट भी बेस्ड है। और इस मॉक टेस्ट में मैं किन किन बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखा हूँ वो है, ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इसी एग्ज़ाम पैटर्न पे ही आपका मॉक टेस्ट होगा। जो भी आपका मार्क्स होगा वो आपको विजिबल होगा हमारे टेस्ट पोर्टल में, जो भी आपके रॉन्ग आंसर होंगे वो भी विजिबल होगा, उसके साथ साथ जो भी इस चीज़ का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी आप हमारे मॉक टेस्ट के जो टेस्ट पोर्टल है उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपका स्टेटस पता चलेगा, आपका मिस्टेक्स पता चलेगा, मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, आंसर्स में क्या चीज़ें लिखी गई है वो आपको पता है या फिर नहीं पता है, आपको अगर नहीं पता है तो आप उसको रिवीजन के दौरान फिर से तैयार कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको मॉक टेस्ट का एडवांटेज जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ों पर एक बार अपना अपेयर होना चाहिए और अपने स्टेटस को एक बार देखना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेसेस के क्वेश्चन मिलेंगे और सिनोनिम एंटोनिम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, पजल, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशनशिप्स, सिलॉगिज्म और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एप्टीट्यूड की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI एंड CI, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, मेट्राइसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अंतिम में जो फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 30 मार्क्स गेन करना होता है,
उसमें आपको मिलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैकेनिक्स, ग्रेविटेशंस, वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऑप्टिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लॉजिक गेट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपका सिलेबस होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट है इसके लिए आपको गेट अकेडमी लाइव ऐप पे मिलेगा या फिर इसके लिए कोई टेस्ट पोर्टल अलग है? यस, इसका टेस्ट पोर्टल अलग है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। इसका टेस्ट पोर्टल है आपके पास onlinetestseries.gateacademy.co.in। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको टेस्ट मॉक टेस्ट में लॉगिन इसी के थ्रू करना है। तो एक बार और मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखे onlinetestseries.gateacademy.co.in तो आपको टेस्ट पोर्टल मिल जाएगा। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को रजिस्टर करवा के आप वहाँ पे अपने टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि फाइनली कि ये मॉक टेस्ट का वैलिडिटी कितने दिन का है और इसका टेस्ट की कॉस्टिंग क्या है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो ATC का मॉक टेस्ट गेट अकेडमी ने आज लॉन्च किया है, उस टेस्ट का जो प्राइसिंग है वो है 399 इंक्लूडिंग GST, मतलब 399 रुपीज इंक्लूडिंग GST। GST आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की है। इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा 10 मॉक टेस्ट जिसमें आप अपेयर हो सकते हैं और अपने आप का एक अच्छा सा स्टेटस जो है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अच्छे से अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट में अपेयर होते हैं तो एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स का कंपेयर करके आपको देखने को मिलेगा। उससे आपको अपने स्टेटस का पता चलेगा, अपनी कमी की पता चलेगी और टेस्ट के माहौल में अपेयर होने के बाद आप किस तरीके से अपने आप को कूल रख के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये भी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक करके मॉक टेस्ट देते रहेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होते रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स के पहले एक बार आप मॉक टेस्ट में कम से कम अपना प्रेजेंस जो है वो एक बार देख ले कि आप मॉक टेस्ट में दे या फिर फाइनल एग्ज़ाम में दे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको भयभीत कर सकती है और कहाँ कहाँ पे आप टेस्ट का एडवांटेज ले सकते हैं या फिर क्वेश्चंस का एडवांटेज ले सकते हैं। इससे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं एग्ज़ाम के पहले कि हाँ भैया मेरा ये वाला पार्ट स्ट्रांग है तो मैं इसको पहले करूँगा, ये वाला पार्ट मेरा वीक है इसको बाद में करूँगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन के सेम मार्क्स है तो आप कोई भी पार्ट करें आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा उस पार्ट का जो आपको अच्छे से आता है। तो इस तरीके की एक अच्छी सी प्लानिंग आपको एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में एडवांटेज देगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एनालिटिकल पार्ट जो अभी से आप करके रखेंगे उससे आपका सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस कैसा लेना है वो बढ़ेगा, मार्क्स गलत कैसे होते हैं, कौन सा कंसेप्ट आपको नहीं आता, ये सभी चीज़ें एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना हर टेस्ट के बाद। ठीक है, सो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9755-66-2248, 9713-1315-6 और 9770839-100। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत जल्द आपका अटेंटिविटी एग्जाम्स का डेट है जो है 27th of July। मे भी एग्जाम उस समय हो जाए, अगर नहीं हो जाए, नहीं होता है तो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा। हम टेस्ट पोर्टल में कुछ और टेस्ट जो है वो उसमें ऐड कर देंगे अगर एग्ज़ाम नहीं होता, और एग्ज़ाम हो जाता है तो आप इन 10 टेस्ट के सहारे अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा लेवल दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं इस मॉक टेस्ट में। आप एक बार इसमें रजिस्टर करके किसी एक पर्टिकुलर फर्स्ट मॉक टेस्ट में अपेयर होकर देखिए, आपको ज़रूर से ये फील होगा दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।